Hey guys, welcome back to this channel. This is Vikas, and in this session we are going to discuss about 10 points for speaking better English. Well guys, if I ask a question to you, do you really want to learn how to speak English language? If your answer is yes, then you have to work on these 10 points what I am going to telling you. Okay? Well guys, so without further delay, let's start the video and know the 10 points for speaking better English. The first point is speak loud and clear. Speak loud and clear. Well guys, इंग्लिश आप जब सीख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप तेजी बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं या नहीं. वेल स्पीक लाउड एंड क्लियर का मतलब क्या है कि तो तेजी बोलना चाहिए, आपकी जो वॉइस है वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज क्या होती है, आप क्लियर बोलना है. उसी में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब बोलते समय आपको मिक्स नहीं करना है. जैसे कि आई एम गोइंग, इतनी तेजी नहीं बोलना आपको, आपको आराम से बोलना है आई एम गोइंग. और ये जो वॉइस है आपकी, ये थोड़ा हाई होनी चाहिए, इसकी पिच जो होती है वो हाई होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला समझ पाए व्हाट आर यू सेइंग. ओके, अब एक बार जैसे मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू विजिट ताजमहल. अब देखो, आई एम गोइंग टू विजिट ताजमहल, ये क्या था, पिच मेरी हाई, और क्या था, सामने वाला समझ भी सकता है. तो इसमें क्या हुआ, स्पीक लाउड एंड क्लियर, कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए. ओके, चलिए सेकंड पे हम लोग. पॉइंट इज फ्लुएंसी. सेकंड पॉइंट इज फ्लुएंसी. अभी फ्लुएंसी की चिड़िया का नाम है. देखो, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, लोग इसको अदरवाइज लेके चले जाते हैं. फ्लुएंसी मीन्स इज नॉट दैट यू स्पीक फ्लॉलेसली, लोग समझे या समझे, इट डजंट मैटर, ऐसा नहीं होता है. फ्लुएंसी मतलब क्या होता है कि आप बोलते रहें, भले ही उसको धीमे बोलें, बट सामने वालों को बात समझ में आनी चाहिए. जैसे इस फ्लुएंसी मतलब कुछ लोग ये समझ बैठते हैं, जैसे मैं अभी एक बोल रहा हूँ सेंटेंस और फिर एक बाद में बताऊंगा कैसे आपको बोलना है. ओके, सपोज इट, मुझे आपको बोलना है today I am standing over here to teach you how to speak better English, and after some time you will be able to learn how to speak better English, and after closing the video you will know how to speak better English. It's not a fluency. According to you, you know very well, it's a fluency. It's not a fluency. क्योंकि मैंने जो भी बोला इतनी स्पीड में बोला कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये फ्लुएंसी नहीं है. फ्लुएंसी क्या है कि आप आराम से बोलें, सोच सोच के बोलें, ताकि सामने वाले समझ में आए. जैसे सुनिए, today I am standing over here to explain these 10 points, and after watching these 10 points you have to work on it, and when you start working on it then you will be able to learn how to speak better English. That is called fluency. इसमें मैंने आराम से बोला, आपने समझा कि मैंने क्या बोला, तो इसको हम लोग फ्लुएंसी बोलते हैं. फ्लुएंसी means was not that जो मैंने पहले बोला, वो तो एक ऐसा आप बोल गए कि जैसे कोई ट्रेन आई निकल गई, हमें कोई पता ही नहीं चला क्या था, तो उसका मतलब फ्लुएंसी नहीं होता मेरे दोस्त. ओके, चलिए थर्ड पॉइंट प्रैक्टिस. थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट प्रीसियस पॉइंट इज प्रैक्टिस. ओके, अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू लर्न हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश. आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस लोग नहीं करते हैं. अच्छा, आप सीखने के जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग, इसके नाम में ही आ रहा है क्या, स्पीकिंग, कि भैया आप अगर मुझे सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू स्पीक फर्स्ट. आपको बोलना होगा, जितना बोलना हो, जितना मौका मिले उतना बोलिए आपको. बट यहाँ कुछ लोग डर जाते हैं, यार मैं तो भी सीख रहा हूँ, कुछ गलत हो गया, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, लोग गाली देंगे, जब भी आप बोलने जाएंगे लोग गाली देंगे. बट उन्हें आपकी रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्या मेन इसका मोटिव है, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है. वो आपको केवल रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, टॉन्टिंग मारेंगे कि डोंट ट्राई टू बिकम अंग्रेज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अंग्रेज बनने की कोशिश ना करो, अपनी अंग्रेजी को अपने जेब में रखें, ऐसा होगा. बट उनको आपको नहीं सुनना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना आप उसमें प्रैक्टिस करिए. ओके, जहां कहीं भी आपको टाइम मिलता है, जहां कहीं भी दोस्तों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, कहीं भी आपको टाइम मिले बोलिए, गलत बोले सही बोले इट डजंट मैटर. मैंने कोई गलत बोल के सीख लिया. ओके, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है. ओके, चलिए थर्ड फोर्थ पॉइंट इज लिसनिंग. फोर्थ पॉइंट में क्या करना होगा आपको, लिसनिंग, सुनना होगा आपको. आपको गाने सुनने होंगे, बट गाने क्या होंगे, हमेशा आपको सबटाइटल के साथ में देखना है, उसकी लिरिक्स जब प्ले करेंगे, आपको गाना बजाना है, गाने में लोग फास्ट बोलेंगे, उसमें क्या स्लैंग कॉन्ट्रैक्शन सब यूज करते हैं, तो आपको गाने से तो इंग्लिश समझ में आने से रही, ठीक है, स्टेज में। बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सिंगिंग, ओके। बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, लिरिक्स देखना है, गाना बजेगा, आपको लिरिक्स में ही फोकस होना चाहिए, लिरिक्स देखना आपको कि क्या गाया गया इस लाइन में, और उसको आपको तुरंत मतलब देखना है, ओके। तो उससे आपकी क्या होगी, स्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगी, बनेगी। उससे आप क्या होंगे, जब सामने कोई बोल रहा होगा तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट दे आर सेइंग, ओके। तो इससे आपको ये होगा, आप मूवी सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में स्पीचेस सुन सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सी स्पीचेस पड़ी हुई हैं, ओके। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ओके, प्रोनंसिएशन। भाई साहब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपने प्ले करता है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन उस चिड़िया का नाम है जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन के ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन यू कैन इन्फ्लुएंस समवन और यू कैन अट्रैक्ट समवन, ओके। जैसे सपोज करो कि ये हमारा लिखा है एक वर्ड, इसका खुद ही लोग प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते हैं, इसको प्रोनाउन और सिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या होता है, उच्चारण, किसी शब्द को आपको कैसे बोलना है, वही होता है क्या, प्रोनाउंसिएशन। इसका खुद ही एक प्रोनाउंसिएशन, आपको ध्यान से देखना होगा कि प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सुनिए जरा। जैसे हमने बोले यहाँ पे, ये हमारा एक वर्ड लिखा है विकस। अब विकस को क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ते हैं बिकाउस, बिकाउस या फिर बिकॉज, तो ये इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका मेन क्या होता है, बिकस। क्या होता है ये, बिकस। पहली चीज क्या होगी, बिकस। एक और आता है आपका आवर, आवर है ये, इसको हम लोग आवर आवर पढ़ते थे, बट इट्स नॉट आवर, इट्स आर। क्या होता है, आर। ये जो हमारा एक लेटर होता है आर, उस तरीके से इसको बोलते हैं आर। दिस इज आवर टीम, ये अपनी टीम है, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। सपोज करो यू आर अ बिग स्पीकर एंड आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, but you don't have the command on the pronunciation, then audience will not convince to you, audience आपसे convince नहीं होगी, क्योंकि आपके pronunciation जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, weak होगा। इसलिए आपको pronunciation भी बहुत ज्यादा work करना होगा, okay? इसलिए हम लोग hesitation। और जब आप स्टार्टिंग में इंग्लिश बोल रहे होंगे, हमने बोला सारी प्रॉब्लम्स आपको इनिशियल स्टेज में ही होनी है। इनिशियल स्टेज में when you start speaking English, तो आपको वहां पे क्या होगा, हेजिटेट भी होना पड़ सकता है, पढ़ सकता है, मैंने बोला ना कि पढ़ेगा। कुछ लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ लोग हेजिटेट नहीं होते हैं, कुछ लोगों को होता है, बट होना तो पड़ेगा आपको। तो हेजिटेशन वहां पे कैसे आएगा, जब आप बोल रहे होंगे, पहली चीज तो आप जब सामने अगर मान लो कोई अच्छा बंदा मिल गया बोलने वाला, तब तो आपकी इंग्लिश वहां से खत्म, क्योंकि आपके माइंड पे कहीं ना कहीं आ जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा कि यार मैंने गलत बोल दी, तो क्योंकि ये पकड़ जाएगा, ये पकड़ लेगा कि मैं यहाँ पे इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ। बट आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए दोस्त, मैंने पहले ही बोला आपको प्रैक्टिस करनी है, अलॉट प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आगे क्या हो, आपको जो हेजिटेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म होगा। वो किससे, प्रोनाउंसिएशन। जैसे ही आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते जाएंगे वर्डिंग के, तो आपका ये हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, पसीना आना बंद हो जाएगा, ओके। इसलिए भाई मेरे तो पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये ना समझना कि मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं सेवंथ, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है भाई, क्वालिटी क्या होती है कि आपको दिन पे दिन उस पे इतना काम करना होगा कि आपकी क्वालिटी जो स्पीकिंग की डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए। जो क्वालिटी कल थी वो आज नहीं होनी चाहिए, जो आज है वो कल नहीं होगी। इस पे आपको डिटर्मिनेशन दिखानी होगी और आपको डेली उस पे वर्क करना होगा, ओके। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे आप उसमें वोकैबुलरी पावर आपकी बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, वोकैब आप अच्छी अच्छी यूज कर रहे हैं, एंड आपके ग्रामर जो होते हैं, ग्रामर पोर्शन, उसमें भी आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, उसमें दिखानी पड़ेगी, डेली इंटरेस्ट लेना होगा आपको, उसमें ग्रामर सीखनी होगी और डेली बेसिस पे वोकैबुलरी आपको सीखनी होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एटीट्यूड। ये क्या होता है भाई, एटीट्यूड किस चिड़िया का नाम आ गया, एटीट्यूड उस चिड़िया का नाम है कि जब आप इन सब चीजों को कर रहे होंगे तो आपको एक एटीट्यूड भी उसमें झलकना चाहिए। इंग्लिश बोलने वाला, इंग्लिश बोलने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए होता है। एटीट्यूड क्या, कि बॉडी लैंग्वेज का। ये कैसा है भाई, कि बॉडी लैंग्वेज क्या है कि आपकी होनी चाहिए, आपको जो एसेंट है वो भी दिखना चाहिए कि हाँ इंग्लिश बोल रहे हो। टोन ऑफ वॉइस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं Today I am standing over here to teach you, and after some time you will be learn how to speak better English. It's not a proper way. It's not an attitude. ये attitude था ही नहीं. ये ऐसा लग रहा मैं आलस का मारा हुआ हूँ. बस किसी ने बोल दिया है जाओ वहाँ पे बोलो तो मैं वहाँ पे आलस दिखा रहा हूँ, मैं कि वहाँ पे बता रहा हूँ. अब सुनो एक और बढ़िया. Today I am standing over here to teach you how to speak better English. After some time you will know 10 points and you have to work on it, and when you start working on it you will be able to learn how to speak better English daily basis. ये क्या था? एक एटीट्यूड था. तो ये एटीट्यूड आपको वहां पे डेवलप करना होगा. वो जब आप इन सब चीजों पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा. इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, बट हमने बोला ना हैबिट डालने में कुछ ही दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हैबिट पड़ जाती है. ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं. आपका एसेंट, ये क्या है? एसेंट मतलब क्या होता है? उच्चारण. तो सुनिए, जैसे मुझे बोलना था कि आफ्टर सम टाइम आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो ये चीज है. अगर आप ऑडियंस को एक ही पिच में आप देते रहेंगे कुछ वॉइस या फिर स्पीच, तो ऑडियंस क्या होगी, सो जाएगी, क्योंकि उसको एक स्टोरी लगेगी. बट सुनो, स्टोरी भी अगर सुनानी है तो पिच आपको हाई और फिर लो करना पड़ेगा. टुडे आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर टू एक्सप्लेन 10 पॉइंट्स एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश. ये क्या था? उतार एंड चढ़ाव. ये भी आपके हाथ में होगा कि एसेंट पे जब आप काम करेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग पावर होगी वो और भी ज्यादा क्या होगी, अच्छी हो जाएगी. ओके, ये आपको धीरे धीरे सब चीजें आपको दिखेंगी. आगे हम लोग इस पे काम भी करने वाले हैं. आगे हम लोग ग्रामर पोर्शन भी लाएंगे, वो कैबरीज भी लाएंगे, तो हम लोग सब चीजें आगे सब डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात आती है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिखाना होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस शो करना होगा. वहां पे आपको बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस नीचे नहीं करना है. कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि हाँ रियली यू कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सामने वाले को लगना चाहिए यस ही इज गोइंग टू स्टार्ट डिलीवरिंग दिस स्पीच. ओके, तो सुनो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा, भरोसा उनको दिलाना होगा. यस आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश. ओके, नो वन कैन ब्रेक मी. ओके, तो सुनो कॉन्फिडेंस भी वहां पे आपको दिखाना होगा. वो सब चीजें क्या होंगी, जो आपके प्रोनाउंसिएशन होगा, एटीट्यूड होगा, हेजिटेशन खत्म हो चुका होगा, क्वालिटी होगी आपके बोलने में, प्रैक्टिस की होगी, आपकी फ्लुएंसी भी होगी, आप बेटर बोल भी रहे हैं लाउड एंड क्लियर. तो कहां से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बताओ मेरे दोस्त. तो कॉन्फिडेंस को लास्ट में इसे रखा गया है क्योंकि ये सारी चीजें आप कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा. आपको इसको खरीदने नहीं जाना है कहीं पे. ओके, तो इस सब 10 पॉइंट्स पे जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर वर्किंग यू विल See that कि you are able to learn how to speak. आप इन 10 पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग भी इस पे आगे वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा बेटर हो सके. वेल गाइस, लेटर ऑन कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टूडे.